नमस्ते, मैं अर्चना आरते टेस्टी सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आई हूँ यहाँ पर वसई गांव में, देव तालाब एरिया है। वहाँ पर कासाडा रेवा करके बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ पर आई हूँ। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे एक अच्छा सा रूफ टॉप बार है और यहाँ पे मेरे साथ है मिस्टर जोएल, जो यहाँ के मैनेजर भी है और शेफ भी है। तो आज मैं उनको ही पूछती हूँ कि कौन से दो अच्छे से मॉकटेल्स बताने वाले। तो आप कौन से मॉकटेल्स बताने आज हम बनाएंगे? दो मॉकटेल, एक है मैंगो मेल्टडाउन और एक है मायामी वाइस। मिक्सर जार में हम मैंगो प्यूरी डालेंगे, अच्छा, जो कि अराउंड 100 ml तक डालेंगे। अच्छा। इसमें आइस जाएगा, आप अपने हिसाब से आइस डाल सकती हो, क्योंकि वो जब तक ब्लेंड होके जब तक स्मूथ नहीं हो जाता है तब तक। वो 7 से 8 अपने इसमें आइस क्यूब डाले, ओके? हाँ, वो तो डिपेंड करता है आइस क्यूब पर, साइज के ऊपर भी। अच्छा, फिर यहाँ पे वो ब्लेंड हो जाएगा। तो ये ब्लेंड जैसा दिखते है आपको कि स्मूथ होना चाहिए, ये देखो। ये है स्ट्रॉबेरी प्यूरी। अच्छा, स्ट्रॉबेरी प्यूरी है। हाँ, ये यहाँ से अपन फ्लोट करेंगे। हाँ, जो कि अच्छा, यहाँ पे देखो ग्लास का डेकोरेशन किया जा रहा है अच्छी तरह से। देखो आपको एक एक आइडिया मिल रहा है। अब हम ये जो मैंगो प्यूरी मैंगो है, हाँ, इसमें डालेंगे। अच्छा, ये इसमें आप पोर कर दो। वाओ, यहाँ पे गार्निश के लिए हम डालेंगे मिंट स्प्रिंग। मैंगो मेल्टडाउन हो गया है, तो अब आप दूसरा कौन सा बताने वाले? अब हम बनाएंगे मायामी वाइस। मायामी वाइस ओके। इसमें आएगा 3 कलर। अच्छा, इसमें जाएगा पहला स्ट्रॉबेरी प्यूरी, करीबन 50 ml तक। अच्छा। जाएगा 5 से 6 क्यूब आइस। अच्छा। अब यहाँ जाएगा ब्लेंडिंग के लिए। चलो हम इसकी कंसिस्टेंसी देखते हैं। देखो इसका कंसिस्टेंसी ऐसा ब्लेंड होना चाहिए। इसमें हम डालेंगे 1 स्क्रूप वेनिला आइसक्रीम। अच्छा, 1 स्क्रूप वेनिला आइसक्रीम। ये है कोकोनट सिरप। अच्छा, कोकोनट सिरप। ये जाएगा करीबन 15 ml कोकोनट सिरप। और इसमें जाएगा भी करीबन 20 ml व्हिपिंग क्रीम। 20 ml व्हिपिंग क्रीम। अब इसमें जाएगा वापस आइस। अब हम इसे देखते हैं, देखो इसका कंसिस्टेंसी स्मूथ। अब ये हम इसमें डालेंगे धीरे से। अच्छा, धीरे से पोर करना है ताकि वो मिक्स ना हो जाए। ये क्या है? ये है ब्लू क्रासाव। इसके ऊपर हम स्पून से डालेंगे धीरे धीरे। और अब हम इसमें डालेंगे ये पाइनएप्पल वाला गार्निश। अच्छा, एकदम सुंदर लग रहा है।
हमारे दो मॉकटेल्स तैयार है, काफी सुंदर लग रहे हैं, कभी मैं टेस्ट करूंगी ऐसा मेरा मन कर रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जोयल जी को थैंक्स बोलना है कि इन्होंने हमें अच्छी तरह से दो मॉकटेल्स बताए हैं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। दोनों मॉकटेल्स इतने अच्छे लग रहे हैं और उनके नाम भी एकदम मस्त है। अभी मैं ये थोड़े से टेस्ट करने वाली हूँ। पहले मैं टेस्ट करूंगी मायामी वाइस। सारे के सारे फ्लेवर्स लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। स्ट्रॉबेरी भी है, कोकोनट भी है, व्हीप क्रीम भी है और ब्लू करासो भी है। तो इनके सबके फ्लेवर्स आ रहे हैं, लेकिन ये बाकी का जो है मैं बाद में उसका स्वाद लेने ही वाली हूँ। अभी मैं टेस्ट करती हूँ मैंगो मेडन फेवरेट। और एक बार, मतलब मुझे अच्छा लगा है, आपको मालूम पड़ गया है। देखिए इसमें जो ये स्ट्रॉबेरी का प्यूरी था वो भी अच्छा, मतलब लग रहा है। मैंगो भी है, एकदम फर्स्ट क्लास है। दोनों मॉकटेल्स एकदम फर्स्ट क्लास है। आप अगर वसई में आते हैं तो ज़रूर आप कासा द रेवा में आके ये मॉकटेल्स का स्वाद ले सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे फूड वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, टेस्टी सफ़र को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है।